अब जान लेते हैं तुला राशि से लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए आने वाला साल वर्ष 2019 कैसा रहने वाला है, इस साल की क्या खास बातें हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका आर्थिक पक्ष, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके रुपए पैसे की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और चूंकि रुपए पैसे की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए आप तमाम समस्याओं को आसानी से दूर कर पाएंगे। इस साल में 2019 में आपको रोजगार के बेहतरीन अवसर भी प्राप्त होंगे, करियर में बड़े बड़े मौके मिलेंगे जो आपके लिए फायदेमंद बने रहेंगे। अगर कहीं पर धन आपका रुका हुआ है या डूबा हुआ है तो उसके मिलने की संभावना भी 2019 में आपके लिए बनती है। और सबसे ज्यादा जो राहत की बात है वो आपकी सेहत है। सेहत को लेकर के इस साल आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। सेहत को लेकर के जो चिंताएं हैं आपके मन में, वो तमाम चिंताएं दूर हो जाएंगी। क्या करना चाहिए इस साल को अच्छा बनाने के लिए? देखिए, अगर आपकी राशि तुला राशि है, एक छोटा सा काम आपको रोज करना है 2019 में। नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित कीजिए, आपको लाभ होगा। अगर नित्य प्रातः आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको सफलता मिलेगी और किसी तरह के धन का अभाव आपको नहीं होगा। वृश्चिक राशि की बात करें, स्कॉर्पियो की, एक तो 2019 आपके लिए महत्वपूर्ण तो है और 2019 में ही आपकी शनि की 7.5 भी उतर रही है, यानी एक साथ बड़े सारे बदलाव आपके जीवन में आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 2019 में आपको बता दूं कि आपकी आर्थिक स्थिति में, आपके रुपए पैसे की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। संपत्ति का लाभ, प्रॉपर्टी का फायदा आपको अवश्य होगा, जरूर होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, ऐसा ना हो कि जो अर्निंग हो रही है उससे ज्यादा आपके खर्चे होने लगें, जिस चक्कर में सफलता की संभावना थोड़ी कम हो जाए। तो जितना संभव हो अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। सेहत का भी ध्यान रखिएगा, हालांकि स्वास्थ्य के मामले में पहले की तुलना में ये साल ज्यादा बेहतर होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है वाहन चलाने के मामले में, व्हीकल ड्राइविंग के मामले में, अगर आप लापरवाही ना करें तो आपके लिए बेहतर है। देखिए, छोटा सा काम इस साल आपको करना है, वो आप जरूर कीजिए। शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान करते रहिएगा, चाहे रुपए पैसे का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे जूते चप्पल का हो, अन्न का हो, अन्न वस्त्र जो भी संभव हो वो दान करते रहने से फायदा होगा। धनु राशि की बात करें, 2019 धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने की संभावना बनती है? आपको नया कारोबार और संपत्ति का सुख, ये दोनों प्राप्त होगा। आप नए व्यापार की शुरुआत कर पाएंगे, नई प्रॉपर्टी में जा पाएंगे, इस बात की संभावना आपके लिए बनती है। आर्थिक फायदे बहुत होंगे, आपको पैसे काफी मिलेंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि शनि का प्रभाव है, इसीलिए खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा खर्चे वाले पार्ट पे ध्यान बनाए रखिएगा। वाहन और भवन, इन दोनों का लाभ आपको निश्चित रूप से हो सकता है। अगर आप कोशिश करें तो वाहन और भवन का फायदा आपको हो सकता है। वर्ष के आरंभ में स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत कीजिएगा, यानी जो साल की शुरुआत के पहले 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस समय में सेहत के मामले में लापरवाही मत कीजिएगा। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटीज आपको परेशान कर सकती है, चोट चपेट लग सकती है, थोड़ा सा ध्यान पहले 3 महीने में बनाए रखेंगे। क्या करेंगे इस साल को अच्छा करने के लिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको पूरे साल रोज 10 मिनट लगेगा, रोज सवेरे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन आपके लिए सहज हो गया है, जीवन आपके लिए आसान हो गया है। अगर मकर राशि की बात करें कैप्रिकॉर्न की कि 2019 आपके लिए कैसा जाने वाला है, तो बहुत सारे परिवर्तन इस साल आपकी किस्मत में दिखाई दे रहे हैं। करियर में परिवर्तन की संभावनाएं भी हैं और बड़ी सफलताएं मिलने की संभावना भी हैं। आपके करियर में बदलाव होगा, आपको बहुत सारी बड़ी सफलताएं भी प्राप्त होंगी। आर्थिक रूप से आप निश्चित रूप से मजबूत होंगे, फाइनेंशियली आप बेहतर कर पाएंगे, आर्थिक रूप से आपको ताकत मिलेगी। लेकिन इस साल प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, संपत्ति नहीं बन पाएगी। ज्यादा से ज्यादा अगर रेंटेड हाउस में रहते हैं तो स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुरू में आपको हड्डियों और आंखों की समस्या भी परेशान कर सकती है जनवरी फरवरी मार्च तक, लेकिन उसके बाद आपको हड्डियों और आंखों की समस्या से राहत मिलेगी। अगर आप शनिदेव की उपासना करें इस साल, अगर आप नियमित रूप से शनि की उपासना करें रोज शाम को 108 बार ओम शं शनेश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। कुंभ राशि की अगर बात करें एक्वेरियस की, तो कुंभ राशि वालों के लिए ये साल कुल मिला जुला कर उत्तम कहा जाएगा। एक तरफ बृहस्पति की कृपा है और एक तरफ कृपा है शनि की, तो कुल मिला के साल आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक और कारोबार के मामले में आपको काफी सफलताएं मिलेंगी, आपका आर्थिक पक्ष अच्छा होगा, आपका बिजनेस का पार्ट अच्छा होगा और इसमें काफी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। वाहन नया खरीद सकते हैं ऐसा लगता है और आपको विदेश यात्रा का लाभ भी हो सकता है, विदेश भी आप जा सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो फायदा आपको इस साल होगा कि आपकी जो मानसिक समस्याएं हैं उनसे आपको राहत मिलेगी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो आत्मविश्वास है वो लगातार बढ़ा रहेगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला, सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में अगर आप पहने तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस साल सोना या पीतल आपको दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। अंतिम राशि की बात करें मीन राशि की, मीन राशि वालों को बता दूं कि पहले की तुलना में इस साल आपकी आर्थिक स्थिति में और आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी आर्थिक स्थिति और नौकरी में स्थिरता आएगी। बहुत हद तक आपको कर्जों के बोझ से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आपके ऊपर लोन है, कर्ज है, तो इससे आप छुटकारा पा सकेंगे। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है या रुका हुआ है तो रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना भी बनती है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि पुरानी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी, खासतौर से जो आपकी पारिवारिक समस्याएं हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें हैं, इन तमाम समस्याओं से आप राहत महसूस करेंगे। क्या करना चाहिए? देखिए 2019 को अच्छा बनाने के लिए या तो सफेद स्फटिक की माला अपने गले में पहन लीजिए या सफेद स्फटिक की माला अपने पास रखिए, आपके लिए वर्ष 2019 बहुत अच्छा रहेगा।